हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल योर वंशिता। तो अभी मैं ट्रेंड्स जा रही हूँ, मतलब मॉल जा रही हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा ऑफर चल रहा है अभी, तो सोचा कि ट्यूशन भी है तो पहले मॉल चल जाती हूँ, कपड़े वगैरह कुछ देख लेती हूँ, उसके बाद वहीं से ट्यूशन चल जाऊँगी। और लेट हो गया था तो घर से इंट्रो शूट नहीं कर पाई मैं, तो रास्ते में कर रही हूँ। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि कुछ पसंद आता है कि नहीं। कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, कुछ नहीं पसंद आएगा तो ट्यूशन चल जाएंगे। तो चलते हैं। सो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर। और लाइट को क्या हो गया है, अजीब सा हो रहा है ना, ब्लैक ब्लैक। तो वैसे मैंने कुछ कुछ जीन्स ऐसे लिए हैं, कार्गोज लिए हैं, जीन्स लिए हैं चेक करने के लिए कि मेरा फिट क्या आ रहा है। बिकॉज कहीं का मेरे को 32 आता है, कहीं का 34 आता है, तो मुझे पहले चेक करना होगा कि मुझे भी क्या आ रहा है। तो वो देख के फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या लेना है। तो मैं पहले चेंज करती हूँ, ट्राई करती हूँ। और इसके पहले मैंने दो ट्राई कर लिया है, वाइट वाला मेरे को परफेक्ट आ रहा है। ये जो व्हाइट कार्गोज है ना, मैंने दिखाना भूल गई, ये मेरे को परफेक्ट आ रहा है। और प्रोस्थेटिक लेग होने के बाद ना थोड़ा कपड़े खरीदने में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली बॉटम वेयर, जीन्स वगैरह खरीदने में प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए कि थोड़ा सा मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना प्रोस्थेटिक लेग का, तो उसके साथ चीज़ें अच्छी लग रही है नहीं लग रही है वो चीज़ भी देखना पड़ता है। मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे औरों का नहीं पता, बट प्रोस्थेटिक लेग जब से मेरे लाइफ में आया है तब से मुझे कपड़े खरीदने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड ये जीन्स भी मेरे को परफेक्ट लग रहा है, लेट्स सी। थोड़ा सा मैं दी को वीडियो कॉल करूँगी और देखती हूँ दी को पसंद आता है कि नहीं। तो वो मेन सेक्शन से जो मुझे पसंद करना था मैंने कर लिया है। मैं मेन सेक्शन में जा रही हूँ, मेन सेक्शन से भी मैं कुछ देखूँगी क्या मुझे पसंद आता है। और आप लोग कमेंट में बताना कि कौन मेरे तरह मेन सेक्शन से भी ट्रायल लेता है कि मेन सेक्शन अच्छे अच्छे मिलते हैं। मेरे को ना मेन सेक्शन ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि हुआ मैंने टी शर्ट्स वगैरह और शूज़ वगैरह, मुझे मेन सेक्शन का ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं अभी जा रही हूँ मेन सेक्शन में, देख रहे हैं देखते कुछ पसंद आता है कि नहीं। सो मेरा जो भी लेना था मेरे को मैंने ले लिया है, और कुछ पसंद नहीं आ रहा है मेन सेक्शन से। पसंद आया बट थोड़े से माल कम है, मतलब सेंस की पैसे का थोड़ा सा कमी हो रहा है। सो जो ले लिया वो ले लिया, अब घर चलते हैं, ट्यूशन जाना है यहाँ से मेरे को डायरेक्टली, पढ़ाई करना है। कपड़ा वपड़ा हो गया जितना लेना था मेरे को। सो मेरा शॉपिंग करना हो चुका है, जो भी शॉपिंग करना था मैंने ले लिया। मेनली मैंने दो जीन्स लिया, और मुझे जीन्स ही चाहिए था, तो जीन्स का बहुत ज़्यादा कमी था मेरे पास, तो जीन्स हो गया मेरे पास। और मैं जा रही हूँ ट्यूशन, तो पढ़ने जाने का मन तो नहीं कर रहा है, गर्मी सा हो रहा है अजीब सा, तो बस पढ़ने जा रही हूँ, ट्यूशन करना है, उसके बाद मेरा छुट्टी होगा आपका 4:30 बजे तक। फिर घर जाऊँगी, खाना पीना खाऊँगी। घर से मैं खाना खा के तो नहीं आई हूँ, सुबह नाश्ता जो किया था वो किया है बस, और खाने का बिल्कुल मैं मन नहीं कर रहा था मेरा। चलते हैं ट्यूशन, ट्यूशन करने के बाद फिर जब मैं निकलूँगी तब मैं आप लोग से मिलूँगी। 1000 years later मैं ट्यूशन से निकल गई हूँ, छुट्टी हो चुका है मेरा, और बस घर जा रही हूँ, थक गई हूँ, मैं पैर में दर्द हो रहा है नहीं पता क्यों। तो घर जा रही हूँ, घर जाकर रेस्ट लूँगी, उसके बाद अगर मन किया कि जिम जाना चाहिए तो जाऊँगी, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। पहले 1-2 घंटा रेस्ट करूँगी, खाना खाऊँगी, उसके बाद जिम जाने का सोचूँगी। घर चलते हैं पहले। मैं घर आ गई और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, चिपचिप वाला गर्मी हो गया है। मम्मी है, लाइट क्यों जला दी अभी? सांझ होता तो फिर ना बहुत बुताइले रह जाता है। मम्मी है, अच्छा थक गए मम्मी, पता पैर में दर्द हो रहा है, ये वाला पूरा इस तरफ में हाँ। खाना खाएंगे, भूख लगा मेरे को बहुत, मैं ऊपर चल के मिलती हूँ। मैं जस्ट अभी नहा के निकल गई, थोड़ा फ्रेश हो गई, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो गया था तो मैं पहले नहा ली, अब मैं खाना खाने जाऊँगी। खाना खाने चलते बहुत जोरों की, सच में बहुत जोरों की भूख लगी। ट्यूशन में बैठी थी ना तो पेट गुड़ 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 हो रहा था, फिर था कि नहीं बाहर कुछ खाना नहीं है, तो घर जाके घर पर खाना बना हुआ था, घर पर ही खाना है। तो चलते हैं, खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। यहाँ पर मेरी मम्मी सब खाना निकाल गई है, बेटी ट्यूशन से आई, खाना तो निकालेगी ना, याद ही है गुंजना, क्या चल रहा है? हो गया खाना, खाना निकालो,
हम लिए जीन्स ही लिए बस, अभी और कुछ नहीं लिए हैं और कुछ ही हो रहा था, मतलब थोड़ा प्राइस रेंज से भी जा रहा था। ट्रेन में जाके कम प्राइस का सामान का उम्मीद करती है बट उम्मीद का नहीं, अब जितना होगा उतना ही लेंगे ना, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। बस मेरा फ़ोन आ गया तो मैंने वो कट करना पड़ा, तो बस वही गुजन खा ली। हाँ क्या बोले थे हम, जीन्स लिए बस, जीन्स लिए। मेरे को जो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा लगा वो मैंने ले लिया है। और दीदी आगे तब दिखाएंगे, दीदी आ जाए तो एक ही साथ दिखाएंगे, बार बार खोलो निकालो पहनो दिखाओ तो गर्मी में नहीं हो पाएगा। और पापा भी घर पे ही हैं तो पापा को भी दिखा देंगे। अभी चलती हूँ मैं खाना खाने, गुंजरा है मैं बैठ के फिल्म देख रही है। फिल्म देख रही हो, क्या देख रही हो तुम? फिल्म देख रही है मैडम। मैं भी कुछ देखूंगी, या तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगी या फिर कुछ तो देखूंगी, और देख देख के खाना खा के ख़त्म करूंगी। वैसे आज खाने में बहुत कुछ अच्छा है, आज बना है बैगन का भाजा और मिर्चा को मम्मी ने भूजा है। सभी किस चीज़ का है? आलू बैगन का ना, उसमें ये बड़ी डाली, आलू बैगन बड़ी का सब्जी और नॉर्मल से दाल बना है उसको छेगा, क्या बोलते हैं छोंक के जो ये बोले। और यहाँ पे है वो छोड़, मैंने पापड़ खा रही है और ये पापड़ है। तो मैं खाना खाऊंगी, खाना खा के उसके बाद आराम से जब मैं थोड़ा सोऊंगी, और मेरे को आज पढ़ाना नहीं है, मेरे को जाना है जिम, तो मैं जब जिम निकलूंगी तब मैं आप लोग से बात करूंगी। तो फिलहाल के लिए बाय एवरीवन। यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ जिम, और शायद बाहर बारिश होगा, पीछे पापा मेरा वीडियो बना रहे हैं और हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। आप कहाँ डालिएगा ब्लॉग? हमेशा ना अपना कैमरा शो ऑफ करते रहते हैं पापा। और मेरे यहाँ पे ना अचानक से रेड रेड मेरे को दिख रहा है, पिंपल्स टाइप का, ये कैसे हुआ अचानक मेरे को समझ में, सुबह तक तो नहीं था, अजीब सा रेड 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 ऐसे ऐसे हो गया यहाँ पे। मेरे को फिर से आकर ना ऐसे लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, आइस लगाना पड़ेगा कि थोड़ा सा फेस ठीक हो। अजीब लग रहा है यार मेरे को, अचानक से लाइट में दिख रहा है पूरा, मैंने थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया तो दिख रहा है उस पर। ठीक है मैं जिम जा रही हूँ, अगर पापा बारिश हुआ तो आपको आना पड़ेगा लेने के लिए, ठीक है? ठीक है चलिए बाय। चावल किसका है? आपका। ये बंदी कितना महीना, मतलब जिम में एक महीना हुआ, एक महीना के ऊपर से यहाँ पे जो जिम के ट्रेनर लोग हैं इसको बोल बोल के थक गए। तू नया जूता मतलब एक अलग से जूता लेकर आना है, एक चावल लेकर आना है। ये मेरा दिमाग ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है? 25 साल, मेरा उम्र 25 नहीं है, 17 उम्र है, बट मैं मम्मी लोग के दिमाग का डॉक्टर दिखाया बट कुछ हुआ नहीं। हाँ, सब नौटंकी, इसका मतलब सर बोल बोल थक गए हैं कि तुम ये टावल लेकर आओ, ये टावल नहीं लेकर आती। आज मैंने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाया, मैंने बोला तुम मेरा टावल लेके जा, क्योंकि मेरे को टावल का जरूरत नहीं पड़ता है, मेरे को टावल का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं टावल बिछाऊंगी, खुद बिछूंगी पहले। टावल बिछाओ तो हम ना बिछ जाए। दीदी वो वाला इंसिडेंट याद आता है जब दीदी फुल ऑन वर्कआउट मोड ऑन, आज तो आज तो एकदम पंप आ जाएगा, पूरा पंप आ जाएगा, पूरा एकदम पंप आ रहा। गाइस गाइस देख लो, गाइस गाइस ट्रेनिंग ले रही है, कैसे ब्लॉग बनाया जा रहा है। हाँ अरे थोड़ा मारिए नीचे एकदम, कैसे खड़ी हो तुम ताऊ में, लीजिए ब्लॉग लीजिए जल्दी से, जल्दी ब्लॉग लीजिए। ठीक है जो भी बोल रही थी, अब हम लोग का हो गया वर्कआउट और हम घर जा, मैं जल्दी घर जा रही हूँ बिकॉज मेरे को घर जाके भी दीदी को कपड़ा दिखाना है कि जो मैंने कपड़ा खरीदा है। ओके मैं कहती ट्रेंड फ्रेंड्स में चल रहा था ऑफर, हमको भी दीजिए टोकन। टोकन क्या, जाओगी ऑफर मिल जाएगा 3499 पे, 3499 का फ्री ऑफर चल रहा ऑफर। ठीक है तो बाय एवरीवन, मतलब बाय तुमको, बाय, याद रखिए दुआ में याद रखिएगा। लड़की she's so फालतू लड़की, फालतू चलो जाओ, मेरे को लगा कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट वाला है। बाय। तो बस मेरा हो चुका है जिम, अब मैं घर जाऊंगी, तो
सच बताऊँ तो आईज़ बहुत अच्छी लड़की है, ऑल द टाइम हंसती रहती है, मेरे को हंसाती रहती है। आई फील पता है कि मेरे को बोर सा फील नहीं होता है जिम में, ऐसे वो नहीं आती है जिस दिन बात नहीं हो पाता था, होता ना कि पूरा दिन ऐसा बीता नहीं, जिम वाला डे ना ऐसे बोरिंग से जाता है मेरा। आती है हंसती रहती है, इधर उधर करती रहती है, कुछ भी बोल देती है तो सोच समझ के नहीं बोलती है। तो ऐसे बंदे अच्छे होते हैं जो मतलब जो है वो मुँह पे है, पीठ पीछे कुछ अलग नहीं है। तो बस अब मैं भी घर जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं घर जा कर मिलती हूँ। तो मैं घर आ गई और बहुत थक गई, घर एकदम गर्म हो गया ना, और यहाँ दीदी भी घर आ गई है। शाम को ना थोड़ा सा मौसम अच्छा किया था। बैठो बैठो, आइए बैठिए, मैं दोनों साइड दो, दोनों को बुला के ले गए अभी कि जल्दी आओ। क्या हुआ, लगा क्या? सॉरी, दरवाजा बंद कर दूंगी ना। तो मेरे को मेनली दीदी को दिखाना था, पसरा टपरा चूड़ा है, दीदी को दिखाना था कि मैं क्या ली हूँ और मैं इतना देर क्या कर रही थी मॉल में। तो मैंने एक वाइट कार्गो लिया जो मैंने वहाँ पे दिखा रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया कार्गो एक नज़र में। और इट्स नॉट वाइट, इट्स ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर का ना जो मैंने पहना था ना, तो वो 36 मेरे को 34 दिए, ठीक है। साइज का पता क्या है साइज, ये आई थिंक जो साइज है मेरा 30, मेरे को 32 या 34 आता है, 30 साइज है। तो मेरे को वो 34 मैंने पहले लिया था, फिर मैंने 32 लिया, तो देखा 32 भी मेरे को लूज आ रहा है, 34 भी लूज आ रहा है, फिर मैंने 30 लिया, तो 30 मेरे को फिट है। मैंने पतली हुई क्यों, मैं नहीं पतली नहीं हूँ, बट ये वाला मेरे को 34 ही आया। वो अपना अपना हर एक ना कंपनी हुआ या फिर हर एक ब्रांड का अपना अलग अलग एक साइज होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ना। ये पता है कौन सा ब्रांड है, क्रिम्सन, क्रिम्सन क्रिम्सन जींस, क्रिम्सन का जींस है। तो बात पता है क्या, प्रोस्थेटिक लेग जो पहनते वो शायद मेरे से ये चीज मैच कर सके। प्रोस्थेटिक लेग के बाद मैं वहाँ भी बोल रही थी, प्रोस्थेटिक लेग आने के बाद ना मेरे को कपड़े खरीदने, मतलब टॉप्स वगैरह तो मैं खरीद लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटम वेयर के लिए थोड़ा दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है, बिकॉज मेरे प्रोस्थेटिक लेग है ना थोड़ा सा ऐसे पीछे के साइड से शेप थोड़ा सा उसका अलग है, ठीक है। तो उस वजह से ना मेरे को देखना पड़ता है कि थोड़ा सा लूज लूज लेना पड़ता है चीज़ें, थोड़ा सा ढंग से लेना पड़ता है। पल्ला पकड़ के रखे क्यों, इसमें ऑयल हम लोग डाले हैं फिर भी आवाज करता है, पता नहीं क्यों करता है। छोड़ ना, ये कर दो, ये लगा दो, नहीं रो छोड़ो ना, मैं बैग रख दो, मुझे बैग रख दो। सारा सोच रहा होगा लोग कितने घरेलू घरेलू जुगाड़ कर लिया हमने। तो वैसे जींस तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वाला चीज बहुत अच्छा, पैटर्न बहुत अच्छा लगा, और इससे ये तो अभी चल रहा है आपका ट्रेंड में, ट्रेंड में चल रहा है ये। गुंजन को चाहिए ऐसा ना, गुंजन मेरे को ऐसे कलर का चाहिए, बीच कलर में, बीच कलर का, बीच कलर का। अभी भी जाती है पिंकी दीदी, ये घर में बैठे बैठे कपड़ा गंदा करती है, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता इन लोगों का। मुझे अभी याद है स्कूल टाइम कपड़ा का ड्रेस, स्कूल टाइम पर पिंकी का स्कूल ड्रेस इतना, दीदी का वो कपड़ा एक हफ्ते चल जाता था, एक हफ्ता चल जाता था मेरा वो कपड़ा, तो मेरा शर्ट वगैरह ना मतलब चल जाएगा हम लोग को बिना, मेरा मैला पकड़ लेता था, काला काला हो जाता था, ब्लैक यहाँ ब्लैक यहाँ ब्लैक, मतलब लगता लोट पोट की आती थी वो, मतलब मैं अपना स्कूल लाइफ बहुत मस्त जी हूँ, मतलब अपना खेलना कूदना टिफिन खेलना कूदना हम लोग भी किए हैं, तुम नहीं किए हो। अगर कोई इसका स्कूल का क्लास का देख रहा होगा तो बताना, निशा निशा रॉय खेलती कूदती थी कि नहीं, ये बस बहाना है ये, अभी और मतलब झिल्ली झिल्ली से नहीं थी मैं तो पूरा पूरा फुल टू मजा की, मेरा स्कूल लाइफ इतना अच्छा गया, मेरे क्लासमेट्स के साथ हम लोग अभी भी मिलते हैं, तो वो दिन याद करके बहुत हंसते हैं, ठीक है। ज्यादा बोरिंग प्लान नहीं करते, इसको बुरा लग रहा होगा कि इसने इतना मजा नहीं किया, मेरे तरफ मजा नहीं किया इसने, बहुत गर्मी लग रहा है अब इस वीडियो में, बस
एंड करते हैं, एंड करते हैं। और yes. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, मैं ही एंड कर दे रही हूँ, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है देन और इसके वाले ब्लॉग्स अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, बिकॉज चैलेंज वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और मैंने नहीं देखा है, मुझे भी देखना है कैसा मुंह में, मतलब उस दिन तुम्हारा मुंह जूम करके डाल ली है, अपना भी डाली है, अपना भी डाली है, दीदी ऐसे मुंह बनाई है, अपना नहीं डाली है क्यों बहुत, तुमको पता है रात तक अच्छी लग रही है, तो गंदा मुंह कौन अच्छी लगता है, अच्छी लग रही होगी नहीं, कोई देखिए आप लोग चेक, ठीक है बाजरा बाद में कर लेते हैं, आप लोग चेकआउट कर लेना कि हम वो जो चैलेंज वीडियो कैसे फ्लॉप हुआ, क्यों फ्लॉप हुआ, उसका BTS भी है, चैलेंज वीडियो भी है, तो सब देख लेना। तो बाय एवरीवन, गुड नाइट।